हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज बुशरा खान सो so, स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेंडर से रिलेटेड डाउट्स को सो so, जेंडर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब डायरेक्टली जेंडर को डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं नाउन को और आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति जगह जानवर या चीज के नाम को नाउन कहते हैं मीन्स नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है किसी भी नाम को नाउन कहा जाएगा फॉर एग्जाम्पल मुकेश इज माई स्टूडेंट तो मेरे स्टूडेंट का नाम मुकेश है तो मुकेश यहां हो गया नाउन ठीक है नाउन हो गया क्लियर अब नाउन किसी ना किसी जेंडर को बिलोंग करता है अब कौन कौन से जेंडर होते हैं तो फोर टाइप्स के जेंडर यहां डिस्कस करने वाले हैं हम फर्स्ट इज मैस्कुलिन सेकेंड फेमिन थर्ड कॉमन और फोर्थ न्यूटर अब इन्हें डिस्कस करने से पहले आप मुझे बताइए कि स्टूडेंट या बेबी किस जेंडर से बिलोंग करता है अब जहां तक आई नो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती कर देंगे सो नो प्रॉब्लम आज सब टाइप के जेंडर को डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट टाइप ऑफ जेंडर इज मैस्कुल तो वो नाउन जो मेल को डिनोट करे मेस्कुलन जेंडर कहलाता है फॉर एग्जाम्पल बॉय फादर ब्रदर एक्सेट्रा नेक्स्ट टाइप इज फेमिन जेंडर सो वो नाउन जो फीमेल को डिनोट करता है फेमिनन जेंडर कहलाता है फॉर एग्जाम्पल गर्ल मदर सिस्टर एक्सेट्रा अब इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन के साथ ही का यूज किया जाएगा और फेमिनिन के साथ शी का यूज किया जाता है अब थोड़े से डिस्कस करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड्स सो फर्स्ट इज नेफ्यू जिसका फेमिनिन होगा नीस नेफ्यू भतीजा और नेस भतीजी नेक्स्ट मॉन्ग इसका फेमिनिन होगा नन नेक्स्ट देखिए ब्राइड ग्रूम और इसका फेमिनिन होगा ब्राइड फिर है विजर्ड इसका होगा विच पोएट पोएटेस टाइगर का टाइग्रेस सन इन लॉ का डॉटर इन लॉ एक्सेट्रा अच्छा अब एक चीज है जो काफी कंफ्यूज करती है वो ये है कि एनिमल्स के साथ ही यूज करना है या शी यूज करना है या फिर इट का यूज करना है सो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है देखिए अगर आपको रोड पर कोई स्नेक दिखता है या फिर वॉल पर कोई लिजर्ड या स्पाइडर अब आपको पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है तो आप इट का यूज करिए बट अगर आपको किसी भी एनिमल का पता है कि ये मेल है या फीमेल है तो आप ही या शी का यूज कर सकते हैं अगर एनिमल मेल है तो आप ही यूज करिए और अगर फीमेल है तो शी का यूज करिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जेंडर दैट इज कॉमन जेंडर सो वो नाउन जो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है मीन्स कॉमन है वो फॉर एग्जाम्पल बेबी अब ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है नेक्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट मेल भी होते हैं फीमेल भी सेम प्रोफेसर ये सब कॉमन जेंडर के अंदर आएंगे अब डिस्कस करते हैं लास्ट जेंडर दैट इज न्यूटर जेंडर तो न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग या लिविंग ऑब्जेक्ट को बताते हैं फॉर एग्जाम्पल पेन पेंसिल बुक एक्सेट्रा अब जरा एक एग्जाम्पल देखिए द पेन इज ऑन द टेबल द पेंसिल इज ऑन द टेबल दोनों सेम है लेकिन अगर आप इनकी हिंदी बनाएंगे तो ऊपर वाले की हिंदी निकलेगी पेन टेबल के ऊपर रखा है और नीचे की होगी पेंसिल टेबल के ऊपर रखी है अब सुनने में आपको ऐसा लगता है जैसे पेन मेल हो या पेंसिल फीमेल सो so, भले ही मेल या फीमेल साउंड कर रहे हो बट है तो ऑब्जेक्ट तो ये न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे सो so, स्टूडेंट्स ये था जेंडर के बारे में एंड आई होप कि आपको जेंडर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली सॉल्व हो गई होंगी सो so, आज की वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें